जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कुछ ऐसी ही घटना आज पोठी पुनपुन के बीच मानव रहित फाटक से एक मारुति गुजर रही थी। गया से पटना की ओर जाने वाली पटना हटिया एक्सप्रेस अपने समय अनुसार पटना के लिए निकल चुकी थी। मानव रहित गेट के पास मारुति रेलवे ट्रैक में फंस गई। ट्रेन की आवाज सुनकर मारुति में बैठे लोग निकलकर भाग गए, जिसे लोग की जान बच गई लेकिन गाड़ी के परखचे उड़ गए। देखिए रणविजय की रिपोर्ट। मैं रणविजय कुमार, ईशा न्यूज से, पुनपुन पटना जिला। यहाँ पर पोठी स्टेशन के पास एक गाड़ी, आइए दिखाते हैं, आइए। गाड़ी क्रॉसिंग कर रही थी, चार फोर व्हीलर था। और यह देखिए, यहाँ देखिए, आइए दिखाते हैं। ये केवड़ा, केवड़ा की तरफ से गाड़ी आई थी और ये इस क्रॉसिंग को यहाँ से पास की। पब्लिक रोक रहा था गाड़ी वाले को, तो रुका नहीं, आके यहाँ फंस गया। उधर से सुपर आ रही थी, सुपर पीपर के पास इमरजेंसी ब्रेक लिया, इसलिए घटना, आदमी को नुकसान नहीं हुआ, घसाल कुछ दूर चला गया, समझे ना। मरा कोई नहीं, ड्राइवर के एथी के चलते, ब्रेक लेने के चलते गाड़ी स्लो हो गया था, फिर भी ठेक गया, घिंचाते हुए हुए चला गया। कितने लोग लगभग घायल है या कुछ? घायल नहीं, कुछ चोट आया है, चिलाल है, बाकी सब तो फरार है, भाग गया करने, पते नहीं लग रहा है। बचाव इसीलिए हो जाता है कि यहाँ पर ये आदमी रहता है, हाँ हाँ करके रोक देता है कि रुकिए रुकिए गाड़ी आ रहा है। कहने पर नहीं माना, पसंद ये थे कि ठीक है यहाँ गुमटी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से इस पर कोई निगाह नहीं हुआ सरकार का, नहीं हुआ। जाने वाला ही रास्ता है, हाँ, दसों कोस दूरी तक पश्चिम की ओर जाता है। पब्लिक का आवागमन, गाड़ी का आवागमन है।